हेलो दोस्तों दोस्तों, हम लोग एंड्रॉयड फोन तो इस्तेमाल करते हैं, आप भी जरूर करते होंगे। दोस्तों देखिएगा, हम सब लोग एंड्रॉयड फोन का जो स्टेटस बार रहता है वो बिल्कुल ओल्ड फैशन में दिखता है। उसका जो आइकॉन बोलिए या फिर सब चीज बोलिए, स्टेटस बार का जो भी स्टेटस शो होता है सब ओल्ड फैशनेबल दिखता है। और आप अगर कीमती फोन्स को देखेंगे, जैसे ब्लैकबेरी बोलिए, आईफोन एक्स बोलिए, उनका स्टेटस बार देखिएगा बहुत ही यूनिक और फैंटास्टिंग लुकिंग में लगता है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन के स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके स्टेटस के सारे चीजों को चेंज कर सकते हैं, आइकॉन को चेंज कर सकते हैं और उसमें नॉट्स को ऐड कर सकते हैं आईफोन एक्स जैसा करके, अपने एंड्रॉयड फोन का लुक जो है बिल्कुल बहुत ही चेंज कर सकते हैं, अपने फोन का जो कीमत है बढ़ा सकते हैं, उसका लुक को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये करना बड़ा ही आसान है, मैं आप लोगों को बड़ी ही आसान तरीके से समझा दूंगा। तो आप लोग मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नोटिफिकेशन बार को बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और कस्टमाइज़ करके बिल्कुल अपने एंड्रॉयड फ़ोन का लुक जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव कर सकते हैं। बिल्कुल आईफोन एक्स, ब्लैकबेरी बहुत ही कीमती फ़ोन के लुक्स जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे आपके फ़ोन के भी लुक को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, उसको करने के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टेटस। ये जो एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग इसे वहाँ से आकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोग जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा तो ऊपर देखिएगा ये इनेबल करने का एक ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को जैसे ही आप लोग इनेबल कीजिएगा तो आप लोग को ये एप्लीकेशन बहुत सारा परमिशन के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग उन सारे परमिशन को दे दीजिएगा, जैसे ग्रैंड परमिशन, बहुत सारा परमिशन के लिए बोलेगा, तो आप लोग सब परमिशन को दे दीजिएगा, ठीक है। देने के बाद इसको ये इसको इनेबल कर दीजिएगा। तो इनेबल जैसे ही हो जाएगा तो देखिए अब मेरा ऐप का देखिए लुक कैसा है, स्टेटस बार का देखिए, अब मेरा जो स्टेटस बार है पूरी तरह से देखिए चेंज हो गया है, हो गया है ना। तो ऐसे ही आप लोग कैसे कस्टमाइज़ करेंगे यही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया, उसके बाद देखिए साइड में जो आइकॉन का टैब है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आइकॉन के टैब पर क्लिक करते ही बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इन्हीं ऑप्शंस में आप लोग अपने मनचाहा आइकॉन्स को देकर अपने स्टेटस बार का लुक को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहला जैसा है नोटिफिकेशन, तो ये जो नोटिफिकेशन क्या है, आपके फ़ोन पर जैसे ही कोई SMS आता है या फिर कोई कॉल आता है या फिर कोई मेल आता है, कुछ भी आपके फ़ोन पर जब भी आता है तो आपके फ़ोन के ऊपर देखिएगा एक शो होता है नोटिफिकेशन, उसी को बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो उसको आप मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए अलाइनमेंट लिखा हुआ है। अलाइनमेंट का मतलब है कि आप उस नोटिफिकेशन को कहाँ चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। तो मेरा मन नहीं है, आपको जहाँ पसंद है वहाँ पे रख के क्लिक ओके कर दीजिए। तो मैं जैसे लेफ्ट पे ही चाहता हूँ तो लेफ्ट पे रख के ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग का मतलब क्या है कि आप अपने नोटिफिकेशन को किस साइज में चाहते हैं, 2DP या फिर 3, 4, 5, जितना बड़ा चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से चूज़ करके रख दीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर करिएगा क्या, इसको छोटा ही रखिएगा, ठीक है, छोटा ही अच्छा लगता है। फिर आइकॉन स्केल ये भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए आता है क्लॉक, आप अपने क्लॉक का कैसा शेप चाहते हैं, कैसा कलर चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट साइड में ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कलर जो है, देखिए इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने रेड कर दिया है। रेड करने के बाद नीचे ओके करेंगे तो अब देखिए मेरा 4:28 PM देखिए रेड कलर हो गया। मैं जो चाहूँ वो कर दे सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, जो पसंद है तो कर दिया। करने के बाद देखिए ये जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको भी चेंज कर सकते हैं, इटैलिक एंड बोल्ड, इटैलिक, नॉन, जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं जैसे बोल्ड पे रखता हूँ, बोल्ड कर के रखा हूँ। फिर देखिए टाइम फॉर्मेट या टेक्स्ट स्टाइल ये तो कर दिया। फिर देखिए टेक्स्ट फॉन्ट, देखिए आप टेक्स्ट को मतलब कैसा चाहते हैं, कौन से ये स्टाइल में चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे देखिए ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, ऐसे है देखिए न्यू रॉकर, देखिए बिल्कुल रॉक बैंड जैसा हो गया है। तो ऐसा रखिएगा मत, आपको जो पसंद है आप रख लीजिएगा।
वैसे मैं इसको नॉर्मली नॉन ही रखता हूँ। आ गया टेक्सटाइल, मैं इसको डिफॉल्ट ही रखता हूँ। आप लोग को जो पसंद है वो रख लीजिएगा। फिर देखिए नेटवर्क आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन, देखिए आइकॉन स्टाइल, इस पर जाएंगे तो आपको जो आइकॉन का लोगो जो है, आइकॉन शेप, वो आप इसमें रख सकते हैं। जैसे मेरा देखिए अभी है, ये जो है क्या कर्व्ड है, मतलब सिर्फ आउटलाइंस दिखाई दे रहा है तीन ठो, तो मैं इसको कर देता हूँ। देखिए अब जो स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करके आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर फिर ओके, देखिए ये स्क्वायर हो गया, हो गया। उसके बाद बैटरी आइकॉन, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देखिए टेक्स्ट कलर, ओके बैटरी आइकॉन, इसको करता हूँ मैं सर्कल, सर्कल हो गया। फिर टेक्स्ट कलर, कलर को भी मैं कर देता हूँ ब्लू, ब्लू। देखिए आइकॉन देखिए चेंज हो गया, 79% वो ब्लू हो गया क्योंकि मैंने ब्लू कर दिया। फिर करना देखिए कैरियर नेम, डाटा कनेक्शन, डाटा कनेक्शन का गया टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट फ्रंट। देखिए डाटा कनेक्शन का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। आपका जैसे ही नेट को ऑन कीजिएगा जो एरो दिखाई देता है उसका कलर को आप यहाँ से जो भी करेंगे वही दिखाई देगा। जैसे मैं कर देता हूँ उसको ग्रीन कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं डाटा कनेक्शन को ऑन करूँगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। फिर वाईफाई कनेक्शन, आइकॉन स्टाइल, इस पर करेंगे तो वाईफाई देखिए आपको है। जैसे मेरा वाईफाई को करता हूँ मैं, ये कर देता हूँ मैं ट्रायंगल, ट्रायंगल कर दिया, फिर ओके। देखिए जैसे ही मैं वाईफाई को ऑन करूँगा देखिए ट्रायंगल शेप में दिखाई देगा। अब बैटरी आइकॉन, देखिए आइकॉन स्टाइल, ब्लूटूथ आइकॉन सॉरी, ऐसे मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए राउंड है बीच वाला, उसको मैं कर देता हूँ, तो ये राउंड हो गया। जैसे ही ऑन करेंगे देखिएगा समथिंग चेंज है। तो ये सब तो हो गया, ये सब आप अपने मन मुताबिक चेंजेस कर लीजिएगा। करने के बाद देखिए आप जो देख रहे हैं ना ऊपर, मेरा टाइमर दिखाई दे रहा है 4:30 PM। देखिए ये एक ब्लैक कलर के बोर्ड के अंदर है, इसको नॉट्स बोलते हैं। ये आईफोन एक्स में दिखाई देता है, आईफोन एक्स ने इसको इन्वेंट किया है, इसी से है जो ज़्यादा यूनिक लुक लगता है। फ़ोन का कीमत जो है बोल सकते हैं आप कि बढ़ जाता है। तो इस नॉट्स को आप कैसे लाएंगे, इसको लाने के लिए आप लोग सेटिंग्स के टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, देखिए बम्प मोड लिखा हुआ है। ये जो बम्प मोड है आपका इनेबल नहीं रहेगा, इसको आपको जैसे ही देखिए मैं डिसेबल कर देता हूँ तो चला गया। इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने। यही जो है आपका जो नॉट्स का है, आईफोन एक्स का नॉट्स का ये आ जाता है। तो इसी से है जो आपका फ़ोन यूनिक लुक में लगता है। दोस्तों ये वीडियो इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।